जी लग रहे हैं ना ये कपड़े मेरे प्रेस किए हुए। हाँ, प्रेस किए तो लगेगा ही, क्योंकि वो भी बिना प्रेस का यूज किए हुए मैं इतने अच्छे जो प्रेस कर लेती हूँ, वो भी जादू ट्रिक से। तो आप लोग अगर करना है आप लोगों को भी ऐसे प्रेस, और स्टूडेंट के लिए खास करके जो ऑफिस में बैचलर है उनके लिए ये खास करके बहुत काम आने वाली वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखना कौन से जादू ट्रिक से मैं इतना अच्छा प्रेस कर लेती हूँ, वो भी बिना प्रेस यूज किए हुए। ये बाहर में जो रह रहे हैं बच्चे उनके लिए बहुत काम आने वाली है वीडियो, पूरा स्किप करके मत देखना, पूरा वीडियो को ज़रूर देखना अंत तक, तो बने रहे पूरे वीडियो में जी। गुड मॉर्निंग सबको, और अभी सुबह के बज रहे हैं 9 या 9:30 बज रहे हैं। तो इधर मैंने सब्जी चढ़ा दी, और मुझे आप लोगों से कुछ बहुत सारी बातें करनी थी और बताने थे कुछ, मैं कर रही थी तो मुझे अचानक याद आ गया, क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर की जाए, आप लोगों को भी बहुत काम आने वाली है ये। कपड़े से सब परेशान होता है, जब आप कपड़े धोते हो ना, धो तो लेते हो, जब प्रेस करना होता है ना, प्रेस करने की बारी आती है ना, तो बहुत ही अजीब लगता है कि बिल्कुल मन नहीं करता प्रेस करने का, क्योंकि घंटों आपको खड़े होकर के या बैठ करके प्रेस करना होता है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पर्सनल अच्छा लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है किसी को भी। जब सारे घर का काम करने के बाद आप बच्चों जो हाउस वाइफ है उनको खाना बनाने के लिए दे दो, उसमें नहीं दिक्कत होती है, लेकिन अगर कपड़े प्रेस करने की बात हो तो दिक्कत लगती है। तो मैंने उसके लिए बहुत अच्छा जुगाड़ निकाल रखी हूँ, और मैं जुगाड़ करती हूँ अपने ऊपर अप्लाई। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, और मेरे पास प्रेस है बकायदा, लेकिन मैंने प्रेस बस दीपावली पे खरीद ली थी, मैं छूती नहीं, मुझे पसंद नहीं है प्रेस करना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ट्रिक अजमाना होगा, जब भी आप कपड़े धोते हो रस्सी पे डालते हो, अच्छे से उसको झाड़ करके और क्लिप लगा के डालें, ठीक है, पहला ये है। और दूसरा, जब भी आप लेके आए ना, मचोड़ करके नहीं लेके आना, सीधे आप रस्सी से लेके आओ आराम से, और सारे घर में रखो। तो चलो आप लोग बने रहो, और कैसे मैं करती हूँ और आपको अगर दिखाऊं, तो ये देखिए अभी मैं कर ही रही थी सारे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर की जाए। और ये देखिए आपको देखने से लगेगा कि बिल्कुल प्रेस हो रखा है जी, बिल्कुल ही प्रेस हो रखा है। तो बस ऐसे ही मैं करती हूँ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ये शेयर की जाए, तो आप लोग बने रहो वीडियो में, और मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को, बहुत ये ट्रिक काम आने वाला है। जो करते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब महंगी भी इतनी हो गई है प्रेस वाले, मैं बता नहीं सकती हूँ। हमारे उधर राजस्थान में तो 12 रुपये की 2 है, और जगह की नहीं बता सकती हूँ। तो 2 कपड़ों के लिए 12 रुपये बहुत मायने रखता है, क्योंकि 5-6 कपड़े अगर आप 3 जोड़ी दिए तो हो जाता है, मतलब 50-60 रुपये ऐसे ही लग जाते हैं। और ज़्यादा कपड़े देते 100-200, तो एक बार में आप 100-200 देते हो तो लगता है आंख लग जाता है, हमारे उधर भाषा में आंख लग गया किसी को अगर ज़्यादा दे दिया, तो वही वाली बात है। तो ये टन टना जो मैंने प्रेस कर रखी हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो, और आराम से आप कर सकते हो। चलो पैंट भी हो सकता है नॉर्मल, जो डेली यूज का, ऑफिस वाला नहीं हो सकता है, लेकिन नॉर्मल वाले कपड़े आराम से कर सकते हो आप, तो बने रहो वीडियो में। मैं ये सारे कपड़े लेके बैठ गई हूँ, और मेन इसमें जो सबसे अच्छा प्रेस होता है वो होता है टी शर्ट और कुर्ती, मैं दोनों चीज़ दिखा रही हूँ आपको। तो ये आप थोड़ा सा देखिए, कैमरा इधर कर लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि उल्टा पुल्टा क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। इसको सीधा कर लिया आपने, और ऐसे आप इसको रख दो, बिछा दिया आपने, बिछाने के बाद इसको आपको हाथ से ऐसे ऐसे करना है, पूरा करोगे ना तो बिल्कुल सिलवट नहीं आएगी बिल्कुल भी। और जैसे कपड़े आप रेडीमेड लेके आते हो ना रेडीमेड जब दुकान से, वही वाला डिजाइन फोल्ड करना है। और ये देखिए, और ये पता है आपको, ये आपको बहुत काम आने वाली है। जब बच्चे आपके बाहर रहते हैं ना, उनके पास कोई सुविधा नहीं होती प्रेस वगैरह की, और जब बाहर जाते हैं मुरा सुरा हुआ कपड़ा बिल्कुल अजीब लगता है, मेरे घाव बहुत गंदी दिख रही है, तो उनके लिए बहुत ये फायदे का काम है। तो मैं आपको 2-3 चीज़ आज कपड़े के बारे में ही दिखाऊंगी जो बहुत काम आने वाली है। तो ये देखिए, जैसे उधर लिए बस कॉलर के पास मुझे कुछ यहाँ पे देख लेना है, बराबर होना चाहिए, और बाजू को ऐसे कर लो, और आधा ऐसे आपने इसको फोल्ड कर दिया, जितने आप फोल्ड करते जाओगे ना, तो ये आप मिलाते जाओ ऐसे मिक्स करते हो, ये गला पे ऐसे आपको मूरा लग रहा है लेकिन सिकुड़ा हुआ नहीं है, आप पीछे से अगर देख लो। तो ये तो हो गई हमारी टी शर्ट, मैंने एक दिखा दी, और भाई बहुत सारी टी शर्ट है, लेकिन अभी मैं टी शर्ट नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग बने रहिए। ये कुर्ती को मैं पहले पलटा लेती हूँ, तो इस कुर्ती को मैंने ऐसे रख ली हूँ जी, और ये देखिए दोनों बॉर्डर को आप एक साथ मिला लो ये ऐसे करके, ठीक है, और इसको ऐसे बिछा के रखना है, और इसको भी ऐसे ही करना है आपको सीधा। ये मैं सच्ची में तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत काम आने वाली चीज़ है।
और स्पेशल जो घर में यूज होने वाले कपड़े हैं उसके लिए, और जो बच्चे बाहर रहते हैं उनके लिए। ये देखिए कुर्ती को ही सेम ऐसे ही करेंगे हम, ऐसे करते जाएंगे। ये देखिए इधर वाला पोर्शन, उधर नहीं दिख रहा होगा मुझे, लग रहा है दिखने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए ऐसे कर करके, अब इधर वाला देखिए ये कर लिए, और ये वाला देखिए, ये बाजू लंबी होती कुर्ती की तो 3-4 बार आप फोल्ड कीजिए इसको। और इसको मैं थोड़ा सा साइड रख देती हूँ, ये सारे कपड़े हमारे फोल्ड वाले हैं अभी बाहर से लेके आए हैं। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल घंटों मेहनत होने वाली चीज़ नहीं है। ये हो गया ना कुर्ती प्रेस, और जैसे रेडीमेड लेके आते हैं बस ये देखिए, बस उल्टा पलटा के दोनों तरफ ये कर दीजिए, तो ये हो गया आपका। एक तो ये हो गया, जब भी आप पैकिंग करते हो ना, और बहुत गर्मी सी लग रही है, और जब आपके बच्चे बाहर जाते हैं ना, उसको आप बहुत सारे ऐसे ऐसे फैला के करते हो ना, अगर जगह कम हो ना, बैग कम हो, तो इसको मैं वो तो फोल्ड कर रखी, मैं उसको नहीं दिखा पा रही, इसको मैं दिखा देती हूँ आपको। एक टी शर्ट को ये देखिए, बच्चों को ये ज़रूर सिखाना, ऐसे टी शर्ट पकड़ो, ऐसे टी शर्ट पकड़ना है, ठीक है, इसको ऐसे लेना है सीधे, ये जो है ये अपने तरफ लेना है, और ये बैक ऐसे लो इसको, ऐसे कर दो, बस उंगली से घुमाना है बस। देखो घूमने के बाद क्या हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको। ये देखिए बच्चे 1 मिनट में कर लेंगे, बस आपको घुमाना था, और हो चुका है हमारा फोल्ड। मैं इसको दोबारा फिर से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इसको ऐसे सीधा नहीं रखना है, जब हमें फोल्ड करना है झटपट में, इसको घुमा देना है। जो गला है आगे का वो हमारी तरफ होना चाहिए, बैक वाला पीछे उधर की तरफ होना चाहिए। इस उंगली से ऐसे इसको पकड़ना है और ऐसे फोल्ड करना है, इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए ये अपने आप ही ऐसे हो जाएगा, नीचे रख दो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो चुका है हमारा। और ये देखिए जैसे हम फोल्ड करते हो वैसे आसान, बच्चों के लिए बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। और बस इसको आराम से, बच्चे स्टूडेंट होते हैं उनके बहुत काम आने वाली चीज़ है। और ये जब भी आप कहीं बाहर जाते हो और आपके पास जगह कम हो, इसको लो, रोल जैसे बनाते हैं ना, लो रोल, ऐसे कपड़े मुड़ेगा भी नहीं, और रोल बना बना के बहुत सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं। तो ये कैसी लगी मेरी वीडियो, बिना प्रेस की प्रेस किया हुआ कपड़े की, आप लोग ज़रूर बताना, और स्टूडेंट के लिए बहुत खास करके बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर मेरी वीडियो में कुछ भी आपको लगे कि हाँ हमारे काम आने वाली चीज़ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हो मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं वीडियो डाल सकूँ आप लोगों तक, ये पहुँच पाए और आप लोग अच्छे से देख पाए। और कुछ भी मेरे दिखाए गए वीडियो में कुछ भी आप लोगों के काम आ पाए मेरे लिए, तो फिर मेरे लिए वो अच्छी चीज़ रहेगी, तो मैं आगे भी वीडियो ऐसे डाल पाऊँगी। मैंने कहा चलो ये आता है मुझे, और ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि हमारे भी बच्चे बाहर रहते हैं, तो अगर आप कहीं झटपट में जाते हो, कोई प्रेस करके देने वाला नहीं है, और जैसे ही कपड़े लेके आओगे तो आराम से आप फोल्ड कर सकते हो और आराम से रख सकते हो। जगह कम के लिए भी मैंने बता दी, झटपट में जब कपड़े लेके आते हो कैसे फोल्ड करना है, और स्टूडेंट के लिए सबसे खास मैंने जो ऐसे वाला बताया वो बहुत काम आने वाली चीज़ है, उसमें कपड़े मुड़ेगा भी नहीं, किसी को आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होगी थोड़ा प्रेस कर दो ये प्रेस करवा, स्टूडेंट के पास हमेशा पैसा नहीं होता है, आप कर सकते हो। और बाहर जो वो जब कॉलेज जाते हैं और घर पर आते हैं तो उनके लिए चाहिए, ऑफिस वालों के लिए भी जो अकेले रह रहे हैं उनके लिए बहुत काम का चीज़ है। तो आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर बताना, तो बने रहिए वीडियो में।